खारा सोना। क्या चाहिए मुझे? दौलत शोहरत नहीं, दौलत शोहरत चाहिए बस। मैं कितने इसमें भाभी स्माइल वो नहीं नहीं चेक नहीं करते। एंड ये आतिफ भाई को एक गिफ्ट और ये हमारे दानिश भाई को। कल ना अभी एक वो एक रस्म है जो कल हमने निभानी थी लेकिन कल मतलब हुई नहीं वो वाली पूरी। तो अभी दिन का टाइम है, मतलब दिन का क्या 12 बजे का टाइम है, तो अभी वो वाली चीज़ हमने निभानी है। तो ये रहे हमारे दोस्त वगैरह जो अभी जाने वाले हैं भाभी के रूम में। चलो आ जाओ। फिकर देख रहे, फिकर देख रहे खालिद भाई, फिकर देख रहे कितनी करती है। बताइए बताइए जल्दी, करिए कल की रस्म पूरी करिए। जो कल टेक्निकल इशू आया था उसकी वजह से आज वाली वो ना नेटवर्क इशू आया था। चलो मैं मगर हेड था वहां पे, कल जब नेटवर्क इशू था ना वो प्रॉब्लम हो गई थी। मैं हेड था वहां पे, मेरा सोचो आप ही मिले थे। ये भी इस काम में थी, नहीं थी ना मेरे साथ दिन। कल ना डेकोरेशन का सारा सामान ना इन बेचारों ने किया था, तो आज उसका नक्सी क्या होता है देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आऊँ? मम्मी ये क्या बोरी क्या करनी है? पर्दे में रहने दो। क्या गोदी में बैठूं? छोटा बच्चा है। खारा सोना बिल्कुल दिख रही है। भाभी को दिखा रहा हूँ, तेरे को ब्लर कर रहा हूँ। क्या तेरे को ब्लर कर रहा हूँ? भाभी को दिखा रहा हूँ। बताओ अब ये क्या चाहिए मुझे? इसने तो ले लिया है अपने। नहीं वो यहाँ का लिया था, यहाँ का। चल बे, ओ यहाँ मैं 2 घंटे दरवाजे पे खड़ा था। बबलू जी अरे दिल हमारा दुखा है। 2-3 तीन और तो था ही नहीं, तो फोन कर रहा था। तुम खाली बाइक पे घूम रहे हो है ना? अच्छा तो भाई हमें 50 आपको मिल जाएगा। भाभी जी हमको मतलब क्या चाहिए? हमको दौलत शोहरत नहीं, दौलत शोहरत चाहिए बस, वही चाहिए। पागल डालो को पैसे वैसे कुछ मुद्दे पे मुझे जाना भी है, पहले चेक भी करूंगा मैं कितने हैं। भाभी स्माइल वो नहीं नहीं चेक नहीं करते, अबे कम आए तो चेक करते ही नहीं है। ये ही सजा के रखते हैं फ्रेम करके। चल बाद में आपको दिखाऊंगा, बस उठो मैं फिर। ठीक है ये असली कल करना था लेकिन कल थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया ना, तो मैंने सेम ही इन सब के। एंड ये आतिफ भाई को ये गिफ्ट और ये हमारे दानिश भाई को और सेम है। चल अलग रखो यार, भाभी थोड़ा अलग रखना था मेरा। क्यों? क्योंकि भाई तू सेम है, बस ये बात है तेरे बाल अलग है बस, बाकी सब सेम है। तू सब ये अलग है, ये तू अलग है, ये अलग, सारा सबका सेम अलग है, एक सेम किसी का नहीं है, समझ गए? ठीक है मैं दिखाता हूँ। देख रहे कितने मिले? कितने 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 मिले? 3-4। ओ कितने कितने मिले दिखाओ ना जरा, क्या क्या दिया इसमें? 200 रुपए बल बड़ा है यार। अरे ये 100 ही रुपये लेकिन प्यार से, और उसको बोलते मोहब्बत। तेरा क्यों अलग होगा? तो तेरा क्यों अलग होगा? तू कोई मतलब कि दूसरी दुनिया से आया है? देख ले अभी माशाल्लाह, अभी आशी भाई भी तैयार हो चुके हैं। तो जी अभी अर्शिद भाई भी रेडी हो चुके हैं और अभी भी क्या करूं मैं, फोटो लूं? काली आ रही हो? काली नहीं हो, काली हो, काला तो जैसे ये भी जा रहा है। देखो व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला और आज ऐसा है कि आज हमको जाना है। आज वाली रस्म को क्या बोलते अर्शिद भाई? वतफेरा बोलते ना, मतलब हमारी लैंग्वेज में वतफेरा बोलते कि मतलब फिर से दुल्हन को जाना पड़ता अपने घर, फिर वहाँ से अकेला आना पड़ता फिर है ना, शाम को आना पड़ता है अकेला वहाँ से। तो क्यों? अरे मतलब वो अकेले आने पड़ते उनके साथ, जो उनकी दोस्त वगैरह होती है जो सारे रिश्तेदार, वो अपने घर पे बैठते हैं वो, और जो मतलब उसके हस्बैंड होते हैं वो आते हैं। ठीक है ना, शायद अगर मैं भी आए तो ऐसा सीन होता। ठीक है तो आज आ रहे, अभी हम सारे दोस्त जा रहे हैं इनके साथ और शाम को हमें निकलना है, चंडीगढ़ भी निकलना है, तो इसलिए हम ये वाली रस्म पूरी कर रहे हैं क्योंकि हमें जल्दी जल्दी वहाँ होके भी आ जाएंगे सारे दोस्त वगैरह, जाएंगे हम
और वहाँ से होके एक दो घंटे बैठेंगे वहाँ, फिर उसके बाद वापस आएंगे, फिर चलेंगे जम्मू, फिर रात को चलेंगे चंडीगढ़, ठीक है ना। अलग ने देखा भाभी ने पैसे वगैरह भी दिए, वो रात को स्लीप करना था, लेकिन वो रात को थोड़ा मतलब वैसा टाइम नहीं मिला, तो इसलिए वो वाली रस्म हमने सुबह की। तो बस लेट्स गो, थोड़ा टाइम में निकलते हम सीधा सेरी फिर से। आज मैं तीन बार चला गया भाई, एक दिन मेहंदी लेके गया, एक दिन बारात के साथ गया, एक दिन आ जा रहा हूँ, मेरा जैसा डेरा बैठ चल गया है वहाँ की तरफ। लोग भी आ रहे दानिश भाई, माशाल्लाह बहुत। आज तेरी बेइज्जती नहीं करूँगा, आज तो काला नहीं बोलूँगा, आज देखो हैंडसम बोलूँगा, आज प्यारा लग रहा है ना, ऐसे ही रखा करो भाई, आप बहुत प्यारे लगते हो, नजर ना लगी किसी की। ये सबसे मुश्किल काम है जो लहंगा है दानिश, उठा जरा इसको, वेट देख कितना इसका, ऐसे उठा जरा, उठा पाएगा तभी दुल्हन बेचारी को इतनी तकलीफ होती उठाने में, देख रहा कितना है वो, तेरा 5 किलो 10 किलो 5, लेकिन गिराना नहीं, ठीक है मैं उठाऊं? हाँ अब दो दो उठाएंगे इसको, चल ना मैं शूज भी लगाऊंगा, वीडियो बनती है थोड़ी इज्जत तक ध्यान में दिखा कि भाई मैं उठाता सामान घर का। ब्लॉग के चक्कर में अपना काम में किसी को भी पकड़ा देता हूँ, देख लो ये निंजा टेक्निक, दिस इज निंजा टेक्निक ब्रो, निंजा टेक्निक होती पता है कि ब्लॉग के चक्कर में दूसरे को अपना काम दे देता हूँ, सुनो। चलो जी अब निकलने की तैयारी, और यहाँ पर एक शख्स हमने मंगाया यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से, ड्राइवर ऑस्ट्रेलिया से, भी ये पहुंचा बारात के साथ भी पहुंचा, आज फिर से दो दिन से पड़ा था मुझे जाना, शुक्र है आज गया, वरना इसने हमें जीने नहीं देना था। सही बात है सर, अब तुम फाइनली गए जा रहा जम्मू, मेरे को भाई की कॉल आई है, आया हूँ मैं जम्मू, लास्ट 3 महीने से बोरा मैं जम्मू जा रहा हूँ, मगर गया जम्मू 3 महीने से, प्राइवेट चीजें दिखानी है, बोरा था बाइक मॉडिफाई करनी करनी करनी, मगर वो हो नहीं रही, कब करे, बहुत झूठा ब्लॉगर है ये, बहुत मोटा ब्लॉगर झूठे होते हैं की कसम, इनसे ये भी आता है, सही है बस बोल रहा भाई की खुद भी एक्सेप्ट करता हूं चीज को, भाई की मॉडिफाई करना है करना है, कब करना, बस पैसे लगते हैं, ठीक है ऐसा तो चटिया है ये फजूल करता है, वो बाइक मेरी गर्लफ्रेंड है, ठीक है जो बाकी लोग हैं जो तेरी बाकी जो स्टोरियां जो डालता तेरी, वो कौन है वो पता नहीं कौन है, हां सही बात, वो आप इतने दुखी दुखी स्टेट नहीं नहीं है ना कोई, ओके चल। बस दो गाड़ियां हैं जी, एक ये वाली है, इसमें तो हम नहीं बैठेंगे भाई, इसमें हम बैठेंगे, तुम हमारी वाली में बैठो। आ रहे भाई तुम भी आ रहे हो, साहिर भाई आप कहाँ जा रहे हो, साहिर भाई आप कहाँ जा रहे हो, और ये सारे भाई जा रहे, ये देखो कितनी गैंग जा रही है आज हमारी, मैं ड्राइवर के ऐसे जा रहा हूँ, वो जा रहा है मुझे बात सही बोल भाई, हम दो बैठेंगे आगे बाकी सारे पीछे बैठेंगे, एडजस्ट करना पड़ेगा, गोदी वो लगी बाबा देख रहा हूँ, मेकअप खराब हो जाएगा, ऐसे बैठना, आई लव यू मामे को मिलाना, वो कहाँ गया, तो निकलते हैं सेरी की तरफ सारे लोग, भाई लोग सारे हमारे जा रहे हैं, और हमें 1 घंटे या 2 घंटे में वापस भी आना, फिर हमको चंडीगढ़ भी निकलना है, समीर भाई हम जा रहे हैं वापस, आज भी जम्मू जा रहा हूँ मैं भी, साथ आऊंगा तुम्हारे, तू जम्मू जा रहे हैं, कौन आ रहा है, बाइक पे सारे हम आ जाएंगे ना, अच्छा बाइक पे जा रहे हैं, मुझे गाड़ी में जा रहे हैं, खुश हो गए बनाएंगे ना बाइक पे, मैं तेरे से बाइक पे आऊंगा, बाकी सारे गाड़ी में, और यहाँ पर लगा ली आज चलते हैं। 3 दिन से कंटिन्यू मैं यहाँ आ रहा हूँ, मुझे लगा जैसे मेरा घर ही हो गया ना दानिश भाई, अच्छी बात की है ना, तो फिर से 3रा दिन चल रहा है मेरा, देख रहे हो जिस दिन आए यहाँ पर बस काम काम काम, हमें काम के लिए रखा हुआ यार, कोई इज्जत नहीं माँ की, 3रा दिन चल रहा है, आज भी मेरे को सामान ही उठाना पड़ रहा है हमें, और इन बेचारों को भी, तो बस अभी जा रहे हैं हम इनके घर, एंड एक आधा घंटा बैठते फिर उसके बाद चलेंगे वापस, ठीक है ना, लेट्स सी क्या होता है, ठीक है ना, हाँ 5 दोस्त गए, 6-7 बंदे गए जाते हैं, ये 6-7 बंदे गए, चलो जी फाइनली इन होम, और ये भी अपने कहाँ पूछे आप, अपने घर पे पूछे कि कहीं और, ये घर में, कहाँ पूछे आप, अपने मम्मी पापा, हाँ अपने घर नहीं पूछे, अब पहले तक अपना घर था, लेकिन अपने भाई लोग जाते जाते एक प्यार से गिफ्ट इनकी तरफ से, थैंक यू सो मच, अब इसमें क्या होगा पता नहीं, अल्लाह। चलो जी अभी कर दिया सबको अलविदा वगैरह हमने, और अब यहाँ से निकलते हैं घर की तरफ, एंड उसके बाद चलेंगे सीधा चंडीगढ़। तो जी दोस्तों अभी निकलते हैं यहाँ से हम घर, और घर से सूटकेस वगैरह उठाते और चलते सीधा जम्मू, और रात को चलते सीधा चंडीगढ़। रामबन में बोझ खत्म हो गया, तुम दफा जा रहे हो ना, सही बात है, हमसे ना रामबन में लोग अब कोई भी मतलब प्यार नहीं करता, ऐसे मॉडल यहाँ पे आए थे, प्यार कोई नहीं करता हमसे, तभी हम यहाँ से चले जाते हैं, साहिर भाई दानिश भाई कोई भी हमसे प्यार नहीं करता है, ऑब्वियसली कोई प्यार नहीं करता है, मां की
ना यहाँ से कोई प्यार करता, ना बहानियाल से, ना कश्मीर से करते हैं। तेरे घर वाले तुझे नहीं करते, मुझे करते हैं। मेरे घर वालों के बगैर की बात कर रहा हूँ, सब करते हैं। टेंट पहनना है तुम्हें, टेंट बड़ा टेंट लाना वो पहनने, तो फाड़ फाड़ के ये खुले कपड़े पहन। मजा आ गया यहाँ पर। और बस यार चलते हैं, अब मिलेंगे इंशाल्लाह भाभी से भी जल्दी, और भाई से भी जल्दी, और बाकी लोगों से भी जल्दी, ठीक है। इसमें दिया है भाभी ने कुछ गिफ्ट जो मैं खोल नहीं सकता। ओ, खोल कहाँ, रास्ते कौन खोलता है गिफ्ट? कुछ तो होगा खास चीज, लेकिन मैं अभी नहीं खोलूंगा। ये पता कहाँ खोलूंगा मैं, चंडीगढ़ में खोलूंगा। होगा भाई कुछ तो, कुछ तो खास दिख रहा है मुझे। नहीं नहीं, तो मैंने कुछ बादाम सुना भी, यहाँ स्टोरी की दिखाता मैं आपको। ये देखो अभी घर पहुँच के गिफ्ट खोलने की बारी, खोली गिफ्ट जब में क्या होगा देखिए। है तो है क्या इसमें, ऐसे है क्या? बात है, इसमें कपड़े हैं, कपड़े हाँ भाभी ने हाँ दिया हुआ है। वो तेरा भी कॉलेज को उसको बोल गया पता है, होगा शायद हाँ उसको बोल गया था। शर्ट भी है इसके अंदर, क्या बात है। क्या बात है, तेरी कसम मुझे दे। अरे जैसी भी है ठीक। आ ये प्यारी है, ये अच्छी है। देखा उसको, उनको पता था खुली शर्ट लगाते तभी इन्हें खुली लाई थी। तो जी ये दो लाया है, बहुत ही प्यारा है, अच्छा है। एंड थैंक यू सो मच भाभी, आपने इतना प्यारा सा गिफ्ट दिया हमें, थैंक यू सो मच। दो चीजें मेरी भाभी ने मेरे को गिफ्ट दिया, एक तो मतलब वो पहले रस्म वाला भी कुछ दिया था, और ये दो कपड़े भी दिए, और एक और चीज दी स्पेशल चीज क्या दी, वो दी ये सूटकेस भी दे दिया भाई। मेरे पास दूसरा वाला सूटकेस था, वो वाला मैंने इधर रखा, अब ये नया वाला सूटकेस मेरे को गिफ्ट मिला। देखो और जस्ट अभी अनबॉक्सिंग हो रही, जस्ट अभी ये मेरा है। अब मेरा ब्रश, ओ इसमें कुछ नहीं डाला, और बस अगर तूने यहाँ से लेके चंडीगढ़ तक ये नहीं उठाया, बस जबान दी है ना, जबान पे चलना। मेरा ये वाला ड्राई फ्रूट है, ये ना हम एक इंसान के लिए डालने वाले, वो है हमारी वो ऑनर फ्लैट की। ये जी हमारा ड्राई फ्रूट हो चुका रेडी, ऑनर के लिए, ऑनर वाले आंटी के लिए। मिलते हैं आंटी, ठीक है, मेरी शादी, अल्लाह हाफिज़। इसकी गाड़ी में भाई, तुम्हें जैसे इधर लोग बोलेंगे कि तुम गए, ओहो इनको दुखों का सबको तुम्हारे। चलो ये मैंने सूट के सब की जगह आगे लगा लिया, तो चलो डीडी ठीक है, फिर चलते बाय बाय। चलो जी समीर भाई ने यहाँ पर हमें छोड़ दिया, अब यहाँ से पकड़ते हुए गाड़ी फिर निकलते आ जाए। भाई हालत देखो बस स्टैंड की, किस एंगल से बस स्टैंड लग रहा है रामन का, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गए भाई, इतना बेकार बस स्टैंड। क्या बसों को नाइनटीज का मूवी लग रहा है, कुछ नहीं बोल सकते। एक ही बच्चा है वापस गया, वो भी लेके आया। उधमपुर, एंड हमने बताया कि हमने गाड़ी की थी सीधा उधमपुर की, क्योंकि यार उधर पे जम्मू वाली गाड़ी नहीं थी, तो उधमपुर वाली गाड़ी में चले गए। अभी हम इधर पे घुसे हुए, बाकी सारे वहाँ पर हैं, साथ ही जाओगे ना? हाँ सारे साथ में ही हैं, तो उधमपुर से जाते दूसरी वाली गाड़ी में जो सीधा जम्मू पहुँचाएगी, फिर चलते जम्मू से सीधा चंडीगढ़, ठीक है ना। ये हमारी जी गाड़ी, इसमें जा रहे हैं जम्मू तक। चलो लेट्स गो। रात के 7:30 बजे, रात की क्या शाम के 7:30 बजे पहुंच गए भाई हम अभी बस स्टैंड, एंड हमने ऑनलाइन वगैरह करवा दी गाड़ी वगैरह जो भी, हमारी 10 बजे की गाड़ी है। ये शूज़ वाली दुकान पे शूज़ लेने आए, देख रहे भाई ये वाला शूज़ मैंने चूज किया एक, ये जी खाली भाई ने चूज़ किया ये वाला शूज़, ये वाला, और मैंने दो शूज़ चूज यार, ये भी अच्छा लग रहा है खाली, बहुत अच्छा बहुत अच्छा चूज किया मैंने शूज, ये वाला और एक ये शूज, दोनों मैंने चूज किए, देख रहे एक ये वाला किया, दूसरा ये वाला किया मैंने, ठीक है दो शूज किए मैंने, खाली ने ये वाला किया शायद, ब्रूटा ब्रूटा पैंट पैंट ऊपर बहुत क्यूट है, ये भी बहुत प्यारा है। और जी दानिश ने कौन सा किया, दानिश सूदी का सर,
और ये वाला लिया जी साहिल, ये साहिल का शोज है देख रहे हो। इसके पास पहले ब्लैक था, अब इसने वाइट लिया, बहुत प्यारा ज़बरदस्त। और तो अपना दिखा, और ये लिया जी दानिश ने, देख रहे हो भाई चार बंदों ने एक ही शॉप से सारी शॉपिंग की, देख रहे हो। पर कितने बजे की है आतिफ? 9:30 की। अभी टाइम कितना हो रहा है? चल उठ उठ। 8:52 हो चुका है, 9:30 की हमारी स्लीपर है, ठीक है। वाला मैंने शूज़ ये वाला लिया, ये तो दिखाया नहीं था मैंने, तीन शूज़ लिए मैंने भाई, ये जो घर में लगाने के लिए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। सो फाइनली दोस्तों, खालिद भाई ने भी शूज़ ले लिया, साहिर भाई ने भी शूज़ ले लिया, दानिश भाई ने भी शूज़ ले लिया, और मैंने भी शूज़ ले लिया। मैंने शूज़ लिया नहीं, मैंने शूज़ लिए, तो बहुत सारे शूज़ लिए मैंने, देख रहे हो भाई तीन शूज़ मैंने लिए भाई। कुछ ज़्यादा शॉपिंग नहीं होगी ब्रो? मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया यार, ओवर हो गया ज़रा मेरा। हमारी बस, तो बस चलते चले चले अंदर, मून लाइट की थी हमने। तो जी दोस्तों, अभी हो रहा है 5 बजने वाले और हम चंडीगढ़ बस पहुँचने वाले, और यार इतनी बुरी हालत हो गई ना आज। आज मेरा ब्लॉग बनाने का दिल इसलिए नहीं है क्योंकि भाई गाड़ी में एसी लगा था, इतनी ठंड, मैं कहता हूँ कि लाइफ का सबसे गंदा दिन रहा आज भाई गाड़ी में, मतलब बहुत ठंडी थी भाई, मतलब जगह भी हमारा वाला जो था वहाँ पर जगह भी कम, और एसी भी चल रहा था कंटिन्यू, इतनी ज़्यादा ठंड भाई, बहुत गंदा। मेरा, खालिद का और साहिर का बहुत गंदा रहा, ये जो दानिश आती था इनका बेस्ट रहा, लेकिन हम दोनों का बहुत गंदा रहा, अब इनका गंदा रहा। और अभी मैं यहाँ पर आया क्योंकि भाई अंदर हमारे ना उसमें कैबिन में बहुत ज़्यादा सर्दी है भाई, अब यहाँ पर बैठे हुए और साहिर भी वहाँ पर बैठा, देख रहे भाई अंदर बैठने की हिम्मत ही नहीं, इतनी ज़्यादा ठंड है कि अंदर बैठ ही नहीं पा रहे हम। पता, मैंने दो दो शर्टें लगा ली, एक ये लगा ली, एक अंदर से लगी हुई थी। तो जी दोस्तों, अभी हम पहुंच गए गाड़ी से उतर के, और यहाँ पर हमारा बैग वगैरह जा रहे हैं घर की तरफ, हो रहा मायरा ग्रीन्स। एंड भाई लोग, बहुत ही गंदा सफ़र रहा, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड लगी रात को मुझे यार, मतलब मेरा स्लीपर का मतलब ना समझो एक टाइप का बहुत गंदा दिन रहा, रात बिल्कुल गंदी रही भाई, बहुत ज़्यादा ठंड लगी तो सही नहीं रहा। चलो जैसा भी रहा, एक बात है कि पहुँच गए हम अपने घर, तो इंशाल्लाह ठीक है, इस व्लॉग को रखते हैं हम इतना ही, और आपने देखे सारे शादी के एपिसोड, आपको पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, तो मिलते हैं आपसे जल्दी, अल्लाह हाफिज़। ऐसे ही प्यार बरसाते रहो, अल्लाह हाफिज़, देखने के लिए शुक्रिया, एंड फिया मानिला, बाय बाय।